हम बात कर रहे थे कि वर्ड में जैसे मान लीजिए हमने लिखा टेंथ, लिखा ना, स्पेस मारते हैं, टी एच ऊपर चला जाता है। ऐसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे एन डी लिखा, एन डी ऊपर चला गया। ऐसे मैं आर डी लिखते हैं, आर डी चला जाता है। क्या यही पे एस डी करेंगे, एस डी चला जाता है ऊपर। बट एक्सेल में नहीं होता है। एक्सेल में अगर आप इसको मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे टेंथ लिखा तो टी एच ऊपर नहीं जाएगा। कैसे जाएगा? इसलिए डबल क्लिक करके मुझे अपने टी एच को सिलेक्ट करना होगा, उसके बाद राइट क्लिक, फॉर्मेट सेल, और इसमें हमारे पास आता है सुपर स्क्रिप्ट। ठीक है, तो जो सिलेक्टेड, जो हमने टी और एच को सिलेक्ट किया था, सिलेक्टेड करेक्टर, ये आपका ऊपर चला जाए। ऐसे मान लीजिए 10 डिग्री चाहिए, तो 10 और हमने स्मॉल ओ लिख दिया, और फिर इस स्मॉल ओ को हम यहाँ सेलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक, फॉर्मेट सेल पे जाएंगे, और ये ऊपर सुपर स्क्रिप्ट को सेलेक्ट करके ओके करेंगे। तो ये देखिए 10 डिग्री आ गया। ऐसे मान लीजिए वाटर का फॉर्म हमने लिख दिया H2O, और टू को मैं चाहता हूँ नीचे आ जाए, तो राइट क्लिक, फॉर्मेट सेल, और यहाँ हम सुपर स्क्रिप्ट करके ओके करते हैं। तो ये देखिए ऊपर चला जाता है, लेकिन मुझे नीचे चाहिए ना सर, तो हमने सबस्क्रिप्ट किया तो नीचे आ गया। ये तो ठीक है, लेकिन अगर डेटा बहुत ज्यादा हो तो क्या करें? जैसे मेरे पास ऐसे बहुत सारे सेल लिखे हुए हैं और सबको मुझे डिग्री में कन्वर्ट करना है। ठीक है सर, तो अब ऐसा नहीं कि इसके साथ हम ओ लिख दें, यहाँ पे ओ लिखे, और फिर इस ओ को, क्योंकि पूरे सेल को सिलेक्ट करके अगर सुपर स्किप करते हैं तो पूरा करेक्टर ऊपर जाता है, बट मुझे ना सिर्फ ओ को भेजना है ना, तो राइट क्लिक करके फॉर्मेट सेल में करके अगर सुपर स्किप करेंगे तो फिर ये बड़ा होगा, 10 डिग्री हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा, लेकिन सबको मुझे वन बाय वन करना है। अब लाखों के डेटा में है या हजारों है तो काफी टाइम कंज्यूम करेगा, तो इसके लिए हम एक छलावा क्रिएट करेंगे। हम क्या करेंगे, इसके बगल में स्मॉल ओ लिखेंगे और इसको नीचे तक हम ड्रैग कर देंगे, फिर इस कॉलम को हम छोटा करते हैं और छोटा कर देते हैं, और इसको पूरे को सिलेक्ट करके मैं यहां से लेफ्ट और अप कर देता हूँ, और इसको मैं राइट कर देता हूँ और बॉटम कर देता हूँ। उसके बाद इस पूरे डेटा को सिलेक्ट करके राइट क्लिक, सुपर स्क्रिप्ट, और इसको सब सुपर स्क्रिप्ट कर देता हूँ, सब स्क्रिप्ट सुपर स्क्रिप्ट हो गया। अब इस पूरे डेटा को सिलेक्ट किया और राइट क्लिक, फॉर्मेट सेल, और हम जाते हैं इसकी बॉर्डर में, हम बीच वाले बॉर्डर को सिलेक्ट करेंगे, साइड वाले बॉर्डर को सिलेक्ट करेंगे, बट ये बीच वाले, ये जो बीच वाली बॉर्डर है इसको नहीं करेंगे। उसके बाद इसका जो फिल कलर है, फिल कलर को हम व्हाइट कर देंगे, क्योंकि हमारा जो बैकग्राउंड है व्हाइट है। तो अब देखिए, अब लग रहा है सर कि अलग अलग सेल में, तो जी जी सर, इसी को छलावा, मतलब कि रिपोर्ट को जैसा विजुलाइजेशन जो है, हम विजुलाइज कर दिए इस तरह से। ड्राइंग ही बना दी एक तरीके से। जी हाँ, अब चलिए इसमें आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए कोई डेटा हम लेते, कुछ कुछ पैराग्राफ लेते हैं, हम मान लीजिए एक पैराग्राफ को ले लिया, और लेने के बाद हम मुझे यहाँ पे देखना है, तो एक सेल में रखेंगे कुछ इस तरह से होगा। तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि मर्ज कर देते हैं, हमने सेलेक्ट करके मर्ज कर दिया। अब ध्यान रखिए, मर्ज सेल में आप डायरेक्ट पेस्ट नहीं कर सकते, मर्ज सेल में पेस्ट करना है तो क्या करेंगे, इस पे हम डबल क्लिक करेंगे, देन इस पे हम करेंगे पेस्ट। ठीक है, अब यहाँ पे हम रैप टेक्स्ट करेंगे तो रैप हो जाएगा, अलाइन भी कर सकते हो, सेंटर भी कर सकते हो, इस तरह से। अब अच्छा दिख रहा है सर? हेलो, जी सर, जी जी सर, हम अच्छा दिख रहे हैं। अब मान लीजिए इसमें जो कीवर्ड लिखा हुआ है ना, ये गलत है। अब इस कीवर्ड को कैसे हाईलाइट करोगे, गलत है, तो इसको इस तरह से हाईलाइट करेंगे, हम सेलेक्ट करते हैं, सेलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक, फॉर्मेट सेल पे जाते हैं, इसको स्ट्राइक थ्रू कर देते हैं, लेकिन कलर रेड से। ठीक है, स्ट्राइक थ्रू क्या करता है, बीचे बीचे जब पेन से लोग काटते हैं वैसे काट देता है। अब बताने की जरूरत नहीं है कि कीवर्ड वर्ड गलत है, अपने आप सबको पता चल जाएगा कीवर्ड गलत है। जी सर, ठीक है, अब इसमें आगे बढ़ते हैं।
अगर मुझे इसी तरह से कुछ फिगर्स हैं उसमें करना हो तो कैसे करेंगे? जैसे यहाँ पे 20 है, 30 है, 40 है, 50 है, 60 है, इस तरह से नंबर्स है। अब कुछ नंबर्स इसमें गलत है, तो अगर मेरे पास इसका प्रिंट आउट हो और मेरे पास हो पेन, तो हम क्या करेंगे, इसको लेंगे और यहां से इस तरह से इसको काट देंगे क्या? लेकिन ये तो मेरा गो टू मीटिंग का टूल्स है जिससे मैंने ड्रॉ कर दिया है, तो एक्चुअल एक्सेल में कैसे करेंगे? तो ये जूम का है, माफ कीजिए, गो टू मीटिंग का नहीं है। तो इस केस में हम जो है यूज करेंगे दो चीजें, क्योंकि इसमें स्ट्राइक थ्रू सही से वर्क नहीं करेगा। फॉर्मेट सेल में आके अगर मैं स्ट्राइक थ्रू करूं तो ये स्ट्राइक थ्रू सही से वर्क नहीं करेगा। इसके लिए यूज करेंगे राइट क्लिक, यहाँ फॉर्मेट सेल, और फॉर्मेट सेल में हमारे पास बॉर्डर आता है। अब थोड़ा सा अच्छा देखने के लिए कलर रेड ले लीजिए और कोई भी अपना बॉर्डर टाइप सेलेक्ट करके ए दीजिए और ए वाला दीजिए, ठीक है सर? तो आपको बार बार करने की जरूरत नहीं है, आपके कीबोर्ड के अंदर F4 का बटन होता है जो लास्ट एक्शन को रिपीट करता है, लास्ट एक्शन को रिपीट करता है, इसका यूज कर सकते हैं। और सही का निशान अगर देना हो तो राइट क्लिक फॉर्मेट सेल और यहां से हम देते हैं इसको, ठीक है सर? ये क्रॉस एक बार वापस बताना कैसे लगा है पूरा वाला। राइट क्लिक किया, फॉर्मेट सेल पे गए, बॉर्डर पे गए और ए लिए ये वाला और ये वाला, ठीक है? अच्छा सर, एक सेल की बात, एक सेल में? हाँ, एक सेल में होगा ना, वन बाय वन होगा। बाकी पे करना हो तो आप F4 प्रेस कीजिए, F4 प्रेस करते हैं तो लास्ट एक्शन को रिपीट करता है, F4 क्रॉस नहीं करता लेकिन जो लास्ट आपने किया है ना उसको रिपीट करता है, ठीक है? जी जी, इसका यूज कर सकते हो। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर एक होती है कि ए जो है आपका सिर्फ विजुलाइज के लिए होता है, दिखावे के लिए होता है। अब इसमें कोई फिल्टर नहीं लगा सकते या फिर कोई कंडीशन फॉर्मूला नहीं लगा सकते आप, ठीक है? जी सर। तो इसमें क्या करेंगे हम कि कुछ ऐसा करें जो कर सके, तो हम कैप्स में पी को लिखते हैं और ओ को लिखते हैं, ठीक है? अब इनके ऊपर एक आता है बाइंडिंग टू या बेरिंग टू नाम का फॉर्म, इन जो अप्लाई करेंगे तो पी को और टिक के निशान में, राइट के निशान में, और ओ को क्रॉस के निशान में कन्वर्ट कर देगा। लेकिन जस्ट विजुअल, एक्चुअल में आपका ओ क्रॉस है और पी आपका सही है, तो इस पे आप आसानी से फिल्टर लगा सकते हैं, आसानी से इस पे आप जो है कंडीशन लगा सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, क्योंकि ये ओ और पी को ट्रिगर करेगा। जी जी। अब यहाँ पे तीसरा नंबर, यहाँ पे डाउट और भी आता है, कभी कभी क्या होता है जो आपने बाइंडिंग टू का फॉन्ट लगाया, ये फॉन्ट दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ एक्सेल, पार्ट ऑफ विंडोज। अब ऐसा हो सकता है कि किसी पर्टिकुलर विंडोज के अंदर या किसी पर्टिकुलर वर्जन के अंदर, रिलीज के अंदर हो सकता है कि ये फॉन्ट अवेलेबल ना हो। अगर फॉन्ट अवेलेबल भी हो तो क्रैश हो गया हो, लीक हो गया हो, समथिंग, मतलब समझे कि समथिंग रिलेटेड है, तो उस पॉसिबिलिटी में क्या करेंगे? तो उस पॉसिबिलिटी में मैंने ऑफिस 95 पे किया था, मैंने क्या किया था कि जे को लिया और कैप्स में जे को लिखा और इसको -45 डिग्री के एंगल पे रोटेट कर दिया। यहाँ अलाइनमेंट में रोटेशन होता है, तो -45 डिग्री के एंगल में रोटेट कर दिया तो क्या हो गया सर? और क्रॉस के लिए तो मेरे पास एक्स आई है ना? जी सर। ठीक है जी जी। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि जो मैं रोटेशन यूज किया, क्या ये रोटेशन इसी तरह के कामों के लिए यूज किया जाता है या कुछ और भी होता है? सर ये जो रोटेशन आपने यूज किया है जे में, तो सर ये ड्रैग होके जे तो फिर सही आ जाएगा ना, वो हर बार ऐसे थोड़ी आएगा। अच्छा, हर बार ऐसे आ गया?
रोटेशन फॉर्मेट होगा ना, इसको नीचे तक ड्रैग कर दीजिए। जब तक इसकी रोटेशन हटती नहीं है यहाँ अलाइनमेंट में जाके, तब तक तो आपको इसी तरह से दिखेगा, ठीक है। और ठीक हर है लेटर के लीजिए ना, के भी इस तरह तिरछा दिखेगा। इसका एक और यूज बताते हैं। मेरे पास एक डेटा है, मैं एक छोटा सा डेटा बनाता हूँ, अटेंडेंस का डेटा मान लीजिए। अब मुझे इसमें क्या है कि इस डेटा को अगर मैं एक पेज पे प्रिंट करना चाहूँ तो प्रिंट पॉसिबिलिटी है? नहीं। तो चलिए देखता हूँ, मैं कंट्रोल पी प्रेस करता हूँ तो प्रिंट आ गया। इसमें अब मान लीजिए कि मैं मार्जिन लेटर के जगह पे A4 कर देता हूँ, यहाँ पे नैरो मार्जिन कर देता हूँ। फिर भी आप एक और भी कर सकते हैं, इसमें पोर्ट्रेट के जगह पे लैंडस्केप कर दिया। फिर भी आप देखिए 12 जनवरी से ज़्यादा नहीं दिख रहा है। ऐसा क्यों? मैं डेटा में देखा कि डेटा तो मेरा बहुत छोटा है, सिर्फ मेरी हेडिंग बड़ी है। तो मैंने क्या किया, हेडिंग को सिलेक्ट किया और यहां से ये देखिए रोटेट अप दिख रहा है सर, रोटेट जी सर। कर दिया। उसके बाद पूरी सीट को सिलेक्ट किया और किसी भी कॉलम के बॉर्डर पे डबल क्लिक कर दिया, तो ये हो गया ऑटो फिट। अब जी जो है इसको हम प्रिंट करते हैं, एक पेज में प्रिंट होने के बाद ही हमारे पास कई सारे कॉलम के लिए जगह बच जा रहा जी सर। है। तो कहने मतलब कि हर चीज की यूटिलाइजेशन अपने जगह पे होती है, आप कर सकते हैं। अब रैप के ही बारे में देखा, यहां से हमने क्या किया, मर्ज किया, रैप किया। रैप में अगर मान लीजिए मैंने इसको लिया और इसको मर्ज एंड सेंटर करते हैं, देखिए मर्ज होता है, इसी में आता है मर्ज अक्रॉस। एक एक करके देखिए यहां से मर्ज होता है, जी ठीक है, मर्ज अक्रॉस। उसके बाद रैप की बात करें तो अगर मैंने लिखा सुजीत और यहां पे लिखता हूं कुमार, रैप करेंगे तो अपने हिसाब से रैप होता है, लेकिन मैं चाहता हूं जो रैप इस हो मेरे हिसाब से हो, तो 1 2 3 लिखने के बाद ऑल्ट एंटर प्रेस कीजिए तो कर्सर नीचे आ गया, अगेन ऑल्ट एंटर, कर्सर नीचे आ गया, ऑल्ट एंटर, है जी सर, जी सर। जहां से मर्जी वहां से आप तोड़ सकते हैं। अब जैसे कि सुजीत कुमार मैंने लिखा, तो आपके पास रैप टेक्स है जो कि रो को बड़ा कर देता है, ऑटो फिट है जो कि कॉलम बड़ा कर देता है, लेकिन मैं चाहता हूं कि ना मैं रो बड़ा हो ना कॉलम बड़ा हो, जैसा मेरा रो एंड कॉलम है उसी में मेरा ए फिक्स हो जाए, तो इसको सेलेक्ट कीजिए, राइट क्लिक कीजिए, फॉर्मेट सेल में जाइए और फिर इसके श्रिंक टू फिट नाम का ऑप्शन दिखेगा। क्या दिखेगा, श्रिंक टू टू फिट, फिट तो ये श्रिंक होके फिट हो जाएगा इसमें, ठीक है सर। जी सर। तो श्रिंक टू फिट आप कर सकते, तो ये हमने अलाइनमेंट आपके साथ कर लिया, ठीक सर है। ये देखिए श्रिंक टू फिट के अलावा अपन इसका फॉन्ट छोटा भी तो कर सकते हैं ना। श्रिंक टू फिट में क्या होता है, कॉलम बड़ा करेंगे तो अपने आप को बड़ा कर देगा, और फॉन्ट कितना छोटा करेंगे आपको एक एक करके छोटा करके चेक करना होगा कि इतना बड़ा तो नहीं आ रहा, इतना बड़ा तो नहीं आ रहा, ये अपने हिसाब से छोटा कर देगा, श्रिंक कर देगा, कॉलम के साइज से साइज को मेंटेन रखेगा, बड़ा करोगे तो बड़ा कर देगा, छोटा करोगे तो और छोटा कर देगा, ठीक है सर। ठीक है। ठीक। तो आज हम आपके साथ अलाइनमेंट को क्लोज कर रहे हैं, राइट।